तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आज के इस वीडियो में ओरिगेमी बनाने सिखाएंगे चिड़िया का, कैसे ओरिगेमी चिड़िया का बनाया जाता है। तो चिड़िया कागज से बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा कैसे चिड़िया कागज से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो इसे बनाने के लिए हमें एक कॉपी का पेज फाड़ लेना है, कोशिश करें यदि मोटा पेज हो तो बहुत अच्छा बनेगा और पतला रहेगा तो भी बढ़िया बनेगा, आप पर डिपेंड करता है आप कैसा कागज यूज करते हैं। तो आप वीडियो यहाँ पे शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आपको पेपर कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है और ये एक्स्ट्रा बचे पेपर को भी मोड़ के और काट के अलग कर लेना है जो आगे आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मोड़ ली है जो आपने यहाँ पे देख लिया, अब इसे फाड़ के अलग कर लेना है। अब इसे बीचे बीच मोड़ लें जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, अच्छे से मिला के मोड़ना है एक एक कोने को, नहीं तो नाप गड़बड़ाने पे गलत हो सकता है। तो अब इसे फिर से बीच से मोड़ लेना है जैसा वीडियो में दिखाई जा रही है। ये मोड़ने का पर्पस यही है कि इसमें चिन्ह पड़ जाए और आपको जिस शेप में हमें मोड़ना है वे शेप में आपको आसानी। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं किस प्रकार से चिन्ह आया है, आपको ये ऊपर कर लेना है दरार को, समझ रहे होंगे आपको, आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार सिंबल में बन चुका है और कुछ इस प्रकार का लाइन ड्राइंग करना है मोड़ के। अब देखिए इसे मोड़ने का तरीका, इसे इस तरीके से मोड़े जैसे आपको दिखाया जा रहा है, यदि समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से इसे रिपीट देख सकते हैं। तो देखिए किस तरीका से इसे मोड़ा जा रहा है, यही पॉइंट है मेन जो आपको समझना है मोड़ने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपको मोड़ के ये स्क्वायर बनाना है जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं आपके सहूलियत के लिए एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मोड़ा हूँ मैंने, ये कुछ इस प्रकार से है देख लीजिए, हाँ इस तरीका से ढांचा और ऐसे उभरा उभरा, देखिए कैसे मोड़ रहे हैं, एक साइड इस तरीके से, दूसरा साइड पकड़ना आपस में मिला देना, फिर एक साइड, फिर दूसरा साइड और फिर आपका तैयार। यदि समझ नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके आप इसे देख लें। अब बारी है इसे मोड़ने का, तो देखिए किस साइड से मोड़ रहे हैं, जिधर से खुला हुआ है। तो पहले एक पंखुड़ी को पकड़ के इस तरीके से मोड़े जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ के पंखुड़ी को भी मोड़ दे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। फ्रेंड्स देखिए इसका दूसरा साइड भी मोड़ दिया जा रहा है, जैसा आप देख रहे हैं सेम वैसे ही आपको भी करना है तो आपकी भी चिड़ियाँ बन जाएगी। तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक बर्ड बाय पेपर, चिड़ियाँ कैसे बने कागज से। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से मोड़ा जा रहा है, कुछ आपको भी इसी तरीके से मोड़ना है। बस दोस्त आपसे यही निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें ताकि हमें समर्थन मिलेगा, ये वीडियो किसी और को भी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है, तो अब जो है इसे देखिए किस प्रकार से खोला जा रहा है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाँ इस प्रकार से आपको खोल लेना है और उसके बाद खोलने के बाद इसे मोड़ देना है जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक साइड का फ्रेंड्स इसी तरीका से करने के बाद दूसरे साइड भी हमें ऐसा ही करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से मोड़ लिया गया है। तो अब बारी है दूसरे साइड का भी कुछ इसी तरीके से करने का। देखिए फ्रेंड्स ये जो उठा हुआ है इसे भी कुछ इसी तरीके से करना है। तो इसे ऐसा करने के लिए हमें जो है ये जो दो साइड मोड़े हुए हैं इसे भी मोड़ लें जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। इसे भी मोड़ने के बाद अब जो है हमें फिर से पहले पार्ट की तरह इसे भी खोल लेना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। खोलने के बाद जस्ट वैसे ही मोड़ देना है, खोलने के बाद ये ऑटोमेटिक मोड़ने लगेगा, आपको किसी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मुड़ चुका है, अच्छी तरीके से मोड़ लें। फ्रेंड्स आप इसे देख लीजिए कैसे हम खोले थे इस साइड से। खोलने के बाद आपको
कुछ नहीं, बस देखते रहिए वीडियो पर से, ध्यान मत हटाइएगा। देखिए कैसे खोल लेते हैं, ये ऐसा है जैसा अभी मोड़े थे, उसके बाद इसको ऐसे करके खोल लेना है। खोल लिए, खोलने के बाद इसको जस्ट नीचे से ऊपर मोड़ देना है, जस्ट नीचे से ऊपर। और देखिए शेप कैसा बना है, डायमंड शेप में से एक हिस्सा कटा हुआ है, आपको तीन चौथाई तरह का बनाना है जैसा आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसे फिर बीच से मोड़ दें, वीडियो को फिर से पीछे करें और देखें कैसे मोड़े थे। और उसके बाद ये जो बीच में फंस गया है मोड़ने के बाद, उस भाग को बाहर निकालें और नीचे देखें किस तरह का आकृति बनता है खींचने के बाद। देख लीजिए मोड़े और उसके बाद इसे नीचे लाएं इस तरीके से, और ऐसे लाने के बाद आपको यहाँ से मोड़ देना है। ये निशान आपको खुद देना है, कितना नीचे तक ले जाना है, कितना गर्दन को नीचे झुकाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से मोड़ के फिर इसे बीच से मोड़ रहा हूँ, देखिए कितना आसान से मोड़ा गया। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक मैं आपको यदि वीडियो पसंद आया है, यदि आप यदि देख रहे हैं तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जाके सीख सकते हैं और भी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा साइड भी वही सेम जैसे इधर किए वैसे ही इधर भी किए हैं। तो यहाँ पे हमारा चिड़िया बनके तैयार हो गया पेपर का। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फ्रेंड्स बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ठोके, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। यदि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो ये वीडियो का प्रमोशन होगा, आगे भी किसी और को भी जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।